हेलो फ्रेंड्स, दिस इज नरदेव बुडवाल। वेलकम बैक टू माय चैनल नरोज ऑटो ब्लॉग। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत ही सब्सक्राइब कीजिए और साथ में ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंचे। दोस्तों, फाइनली निसान ने अपनी मोस्ट अवेटेड कॉम्पैक्ट एसयूवी मैग्नाइट को रिवील कर दिया है इंडिया में। और जहां तक इसकी एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट की बात करें तो इस दिवाली 2020 ये लॉन्च होने वाली है और इसकी एक्सपेक्टेड प्राइस रहने वाली है 5.50 लाख टू 8.50 लाख एक्स शोरूम प्राइस दिल्ली। निसान मैग्नाइट इस प्राइस ब्रैकेट के अंदर अगर लॉन्च होती है तो ये गेम चेंजर होने वाली है इस सेगमेंट के लिए भी और निसान के लिए भी। जहां तक कॉम्पिटिटर्स की बात करें तो इसका सीधा सीधा मुकाबला इस सेगमेंट में पहले से मौजूद टाटा नेक्सॉन, मारुति सुजुकी विटारा ब्रेजा, किया सोनेट, हुंडई वेन्यू, महिंद्रा एक्सयूवी 300, फोर्ड एकोस्पोर्ट से होने वाली है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं इसके डिजाइन और डायनेमिक्स की। तो फ्रंट प्रोफाइल में आपको हेडलैम्प यूनिट में देखने को मिलेगा एलईडी टोन इंडिकेटर, प्रोजेक्टर हेडलैम्प, एलईडी हेडलैम्प की कॉम्बिनेशन और जस्ट उसके बराबर ही आपको देखने को मिलेगा एल शेप्ड एलईडी डे टाइम रनिंग लाइट, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। और जस्ट उसके नीचे आपको एलईडी फॉग लैम्प भी यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। जहां तक फ्रंट ग्रिल की बात करें तो बहुत ही शानदार ऑक्टागोनल फ्रंट ग्रिल क्रोम गार्निश में प्रोवाइड किया गया है। बीच में निसान का लोगो यहां पे प्रोवाइड किया गया है, कहीं ना कहीं डैटसन का यहां पे आपको याद दिलाता है। और निसान का लोगो जस्ट उसके नीचे कैमरा आपको फ्रंट कैमरा प्रोवाइड किया गया है। वहीं बोनट के ऊपर देखें तो यहाँ पे करेक्टर लाइन दिया गया है जो कि इसके फ्रंट प्रोफाइल को और भी एनहांस कर देते हैं। जहां तक साइड प्रोफाइल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि चारों तरफ आपको बॉडी क्लैडिंग देखने को मिलता है और ड्यूल टोन ओआरबीएम, और उसके नीचे आपको देखने को मिलता है साइड कैमरा और पेडल लैम्प। और इसके साथ ही साइड प्रोफाइल में बहुत ही शानदार 16 इंच के ड्यूल टोन डायमंड कट अलॉय व्हील प्रोवाइड किया गया है जिसके बीच में निसान का लोगो आपको देखने को मिलता है और व्हील साइज है 195/60R16। और वहीं फेंडर पे आपको देखने को मिलता है निसान मैग्नाइट के एम्बलम, जैसे कि आप यहां पे देख पा रहे हो। और इसके डोर पे आपको सिल्वर कलर के साइड मोल्डिंग यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है जो कि इसके साइड प्रोफाइल को और भी एनहांस कर देते हैं। जहां तक डायमेंशंस की बात करें तो यहाँ पे इसकी जो लेंथ है अंडर 4 मीटर रहने वाली है और इसकी ग्राउंड क्लियरेंस 205 mm दिया गया है जो कि काफी बेटर है। और इसके टॉप इन वेरियंट में आपको देखने को मिलेगा ड्यूल टोन का ऑप्शन, जैसे कि आप यहां पे देख पा रहे हो। और इसमें प्रोवाइड किया गया है बहुत ही शानदार सिल्वर कलर के रोप रेल जो कि इसके एसयूवी स्टांस को बढ़ा देते हैं। चलिए अब बात करते हैं इसके रियर प्रोफाइल की। तो सबसे ऊपर आपको देखने को मिलता है यहां पे एंटीना, इसमें शार्क फिन एंटीना आपको टॉप इन वेरिएंट में भी प्रोवाइड नहीं किया गया है। इंटीग्रेटेड स्पॉयलर विद हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प, डीफॉगर एंड रियर वाइपर प्रोवाइड किया गया है। टेल गेट के ठीक बीचों बीच आपको दिया गया है निसान का लोगो और उसके ठीक बीच में दिया गया है मैग्नाइट की बैजिंग जो कि आजकल ट्रेंडिंग चल रहा है। और इस लेफ्ट साइड निसान की बैजिंग, राइट साइड सीवीटी की बैजिंग और ड्यूल टोन यहां पे दिया गया है। बम्पर दोनों रिफ्लेक्टर्स, उस पे रिवर्स पार्किंग सेंसर्स प्रोवाइड किया गया है। काफी शानदार इसका रियर प्रोफाइल रहने वाला है। इसके अलावा बहुत ही शानदार एलईडी टेल लैंप आपको कुछ इस तरह दिखने वाला है जो कि काफी अमेजिंग डिजाइन में यहां पे प्रोवाइड किया गया है, जैसे कि आप यहां पे देख पा रहे हो। चलिए अब बात करते हैं इसके इंटीरियर का। तो सेंटर कंसोल में प्रोवाइड किया गया है 8 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम जो कि सपोर्ट करता है एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, नेविगेशन, रेडियो एफएम, ऑक्स एंड यूएसबी को। और यहाँ पे एक खास बात है, यहाँ पे वायरलेस एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो आपको प्रोवाइड किया गया है जो कि बाकी एसयूवीज में आपको देखने को नहीं मिलता है। और इसके अलावा यहाँ पे आपको बहुत ही शानदार यहाँ पे ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल प्रोवाइड किया गया है, पुश स्टार्ट स्टॉप बटन प्रोवाइड किया गया है। और इसके जो टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम है उसमें आपको 360 डिग्री कैमरा का भी यहां पे फीचर अवेलेबल कराया गया है, जैसे कि आप यहां पे देख पा रहे हो। वहीं स्टीयरिंग व्हील की बात करें तो यहां पे आपको लेदर रैप 3 स्पोक सिल्वर इंसर्ट्स में टिल्टेबल स्टीयरिंग व्हील प्रोवाइड किया गया है जिसके लेफ्ट साइड ऑडियो माउंटेड कंट्रोल, राइट साइड दिया गया है क्रूज कंट्रोल और इसके बीच में दिया गया है निसान का लोगो। और इसमें आपको बहुत ही शानदार डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर प्रोवाइड किया गया है और जिसका इंटरफेस
कुछ इस तरह रहने वाला है, जो कि मुझे काफ़ी पसंद आया है। काफ़ी एडवांस यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर प्रोवाइड किया गया है, जिसमें आपको ड्राइव असिस्ट रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। और इसके अलावा आपको इसमें ट्रांसमिशन की बात करें तो इसमें 5-speed मैनुअल और CVT गियरबॉक्स का ऑप्शन यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। और यहाँ पे स्टोरेज दिया गया है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, पुश स्टार्ट स्टॉप का बटन यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। और इसके साथ ही आपको यहाँ पे 12 वोल्ट का चार्जर और USB पोर्ट यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। और वहीं हम बात करते हैं इसके सीटिंग अरेंजमेंट की, तो कुछ इस तरह रहने वाला है। और इसमें ड्राइवर सीट आपको हाइट एडजस्टेबल टॉप इंडिपेंडेंट में देखने को मिलेगा, और सेंटर कंसोल में आपको दिया गया है आर्म रेस्ट, और जिसके नीचे आपको स्टोरेज नहीं मिलते हैं। और इसमें सेमी लेदराइट आपको सीट्स प्रोवाइड किया गया है, यानी आपको लेदर और फैब्रिक के कॉम्बिनेशन में यहाँ पे सीट्स प्रोवाइड किए गए हैं। और इसके रियर सीट्स और रियर कैबिन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको बहुत ही अच्छी खासी जगह यहाँ पे दिया गया है, काफ़ी अच्छी खासी थाई सपोर्ट दिया गया है, बीच में हम्प नहीं दिया गया है, और बीच में आर्म रेस्ट और 2 cup होल्डर आपको प्रोवाइड किया गया है। और सबसे बड़ी बात, रियर पैसेंजर्स के लिए यहाँ पे आपको दिया गया है रियर AC वेंट, जो कि एक प्लस पॉइंट है। नीचे आपको 12 वोल्ट का चार्जर यहां पे प्रोवाइड किया गया है, जैसे कि आप यहां पे देख पा रहे हो। चलिए बात करते हैं इसके बूट स्पेस की, तो यहां पे टोटल 336 लीटर का बूट स्पेस प्रोवाइड किया गया है निसान मैग्नाइट में, जो कि काफ़ी अच्छी खासी जगह यहाँ पे रहने वाली है। और 60-40 स्प्लिट का ऑप्शन यहाँ पे रियर सीट्स में दिया गया है, जिसको आप फ्लैट फोल्ड भी कर सकते हैं, ताकि आप बूट स्पेस को और भी इंक्रीज कर सकें। और इसके बूट स्पेस में आपको बहुत ही शानदार यहाँ पे जगह मिलने वाली है, पार्सल ट्रे यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। और इसके बूट में ही आपको स्पेयर व्हील, उससे रिलेटेड टूल्स भी अवेलेबल कराया गया है, जो कि स्टील में आपको मिलने वाले हैं। जहाँ तक इंजन की बात करें तो इसमें आपको 2 इंजन ऑप्शन मिलने वाले हैं, BS6 कंप्लायंट 1 liter 3 cylinder नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन, जो कि आपको ट्राइबर में देखने को मिला है। और पावर स्पेसिफिकेशन की बात करें तो 72 BHP की पावर एंड 96 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करने वाला है। इसमें ट्रांसमिशन आपको 5-speed मैनुअल ट्रांसमिशन मिलने वाले हैं। वहीं सेकेंड इंजन ऑप्शन आपको 1 liter 3 cylinder टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन पावर, परफॉर्मेंस की बात करें तो 100 BHP की पावर एंड 160 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करने वाला है। ट्रांसमिशन आपको इसमें CVT गियरबॉक्स का ऑप्शन इसमें मिलने वाला है। जहां तक सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो इसमें आपको मिलने वाले हैं ड्यूल एयरबैग, ABS विद EBD विद ब्रेक असिस्ट, हिल असिस्ट, रिवर्स पार्किंग सेंसर्स, 360 डिग्री कैमरा, सीट बेल्ट रिमाइंडर, ड्राइवर साइड एंड को पैसेंजर साइड, कीलेस एंट्री, पुश स्टार्ट स्टॉप बटन, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, आइसोपिक चाइल्ड सीट एंकरेज, प्री टेंशनर एंड फोर्स लिमिटर सीट बेल्ट, इंजन इमोबिलाइजर, फ्रंट इंपैक्ट बीम, साइड इंपैक्ट बीम, एंटी थेफ्ट डिवाइस, स्पीड अलर्ट सिस्टम, डोर अजर वार्निंग, स्पीड सेंसिंग, ऑटो डोर लॉक, इंपैक्ट सेंसिंग, ऑटो डोर अनलॉक जैसे प्रीमियम सेफ्टी फीचर्स प्रोवाइड किए गए हैं। ये थी दोस्तों निसान मैग्नाइट से रिलेटेड कंप्लीट डिटेल। आपको कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा, और एक लाइक तो बनता है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते एक नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।